बच्चों कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 की मैथ्स की शास्त्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस बाय शैलेश शर्मा आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक और अपने सारे डाउट्स क्वेश्चंस हल करके क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, नट बनाती है, है ना। तो जनवरी 2006 में नट का तात्पर्य कसने वाले जो स्क्रू होते हैं वो बनाती है, पेच बनाती है 2825। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए, है ना, उसने कितने नट स्क्रू बनाए। तो आइए देखते हैं। अब इसका आंसर, मशीन एक दिन में पेच बनाती है, पेच बनाती है, मशीन एक दिन में पेच बनाती है 2825, ठीक है, एक दिन में ये पेच बनाती है। अब हमें पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों में कितने पेच बनाएगी ये। तो जनवरी माह में बने पेज, तो जनवरी में जो पेज बनेंगे, एक दिन में पेज बनते 2825, इसकी गुणा इंटू 31 की गुणा जो है 31 से हम कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसकी गुणा हम 31 से करके, 1 × 5 1 × 2 1 × 8 1 × 2 मल्टीप्लाई का निशान, 3 × 5 15 हासिल लगी, 1 × 3 2 6 और 1 7 3 × 8 8 × 3 24 हासिल लगी, 2 × 3 2 6 6 और 2 7 8। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 5 × 5 5 और 2 7 8 और 7 हो जाएंगे 15 हासिल लग जाएगी, 1 × 4 2 6 और 1 7 और 8 का 8 यानी कि पूरे महीने में वो बनाएंगी 87,575 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 87,575 पेज, 87,575 पेज जो है वो जो स्क्रू है वो बनाएगी मशीन, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, उसने 40 रेडियो खरीदे, वह प्रत्येक रेडियो का जो मूल्य था वो 1,200 रुपए यानी 1,200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई, यानी ये जो खरीदारी उसने की उसके बाद जो उसके पास 78,592 रुपए थे उसमें से कितने रुपए उसके पास रह गए। तो देखिए यहां पर इसको हम स्टार्ट करते हैं, प्रत्येक रेडियो का मूल्य, रेडियो का मूल्य जो था वो था 1,200 रुपए। तो यहां पर 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का जो मूल्य है वो हो जाएगा 1,200 × 40 यानी 1,200 × 40। अब 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 और 12 × 4 = 48 यहाँ पर आ गया, 12 × 4 = 48 और ये 2 0 और ये 1 0, 48,000 रुपए उसने खर्च कर दिए रेडियो खरीदने में। अब उसके पास कितने रुपए शेष रह गए, तो शेष बची राशि, शेष राशि टोटल अमाउंट उसके पास था 78,592, उसमें से उसने 48,000 रुपए के रेडियो खरीद लिए। आइए देखते हैं कितने रुपए बचे, 2 × 2 = 9, 9 में से 0 गए, कुछ नहीं जाता, 9 का 9 ही रहता है, 9 में 5 में से 0 गए, 5 का 5, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से जब हमारे पास 4 चले जाते हैं तो हमारे पास बचता है 3 यानी 30,592 रुपए उसके पास शेष बचे। तो इस प्रकार से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखा। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर गलती से 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब इसमें एक चीज संकेत दी गई है, इसने संकेत ये दिया है कि दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 7236 को 56 से और 65 से दोनों से गुणा करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार समझाने के लिए मैं आपको इन दोनों से गुणा करके दिखाऊंगा, उसके बाद में यह भी बताऊंगा कि बिना दोनों से गुणा किए इसका उत्तर किस प्रकार से आता है। आइए देखते हैं। जैसे कि पहले आप इधर देखेंगे, इसको नहीं इधर देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप 2 की गुणा 12 से कर दीजिए, 2 की गुणा 12 से करना, तो आपका उत्तर आता है 24, 12 दूनी 24, पर गलती से आपसे अंक बदल गए, 2 आगे हो गया 1 पीछे हो गया, आपने 2 की गुणा 21 से कर ली तो उत्तर आया 42। आना चाहिए था ये लेकिन आप लेकर के आ गए ये उत्तर 42। तो ये जो गलत उत्तर है सही उत्तर से कितना ज्यादा है, है ना? तो गलत उत्तर यानी कि 42 जो कि हमारा गलत उत्तर है वो सही उत्तर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो हम 42 में से 24 को घटा देंगे, 18 ज्यादा है। उसी प्रकार से हमें ये सवाल करना है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत हमें क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत वो कहता है कि 7236 को हमें गुणा करना था 56 से, पर गलती से छात्र से क्या हुआ, 6 आगे की ओर लग गया और 5 पीछे की ओर चला गया, तो उसने गलती से किससे गुणा कर लिया, 65 से। जब 7236 को 56 से गुणा करना था तो ये था हमारा सही, तो हमारा उत्तर आता 4,05,216, लेकिन गलती से उसने 7236 की गुणा कर दी 65 से, तो हमारा उत्तर यहां पर आ गया 4,70,340। तो ये तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन गलती से जब गुणा हुई तो हमारा उत्तर आ गया 4,70,340। तो ये जो गलत उत्तर है सही उत्तर से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, गलत उत्तर में से सही उत्तर को घटा देंगे। गलत उत्तर है 4,70,340, उसमें से 4,05,216 को हम घटा देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो है हम कैरी ले लेते हैं, 10 हो जाता है, 10 में से 6 गया यहाँ पर आता है 4, और 3 में से 1 गया यहाँ पर आता है 2, और यहाँ पर 3 में से 2 गया यहाँ पर आता है 1। अब इससे एक हासिल ले लेते हैं, 10 में से 5 गया यहाँ पर आता है 5, और 6 में से तो कुछ जाता नहीं है, 0 जाता नहीं है, तो 6 का 6, और 4 में से 4 गया 0, तो 65,124 ज्यादा है। क्या गलत उत्तर सही उत्तर से 65,124 जाता है। अब बिना गुणा किए हम किस प्रकार से ये कर सकते हैं, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। यहां पर आंसर देखेंगे, गुणा करना था 65 से और गुणा करनी थी 56 से। तो हमें क्या करना है, यहां पर मैं आपको एक सीधी सी चीज बताता हूं। देखिए करनी थी 56 से लेकिन कर दी गई 65 से, तो आप इनका अंतर निकाल लीजिए, अंतर मतलब 65 में से 56 को घटा दीजिए, यानी गलत वाली जो गुणा है जो गणित वाली संख्या है उसमें से सही संख्या को घटा लीजिए। तो देखेंगे यहां पर मैं अंतर निकालता हूं, 65 में से मैं 56 को घटा देता हूं, तो यहां पर मेरे पास आता है, इधर आ जाता है मेरे पास 9, 15 में से 6 चले जाएंगे तो उत्तर बचेगा 9, और इधर 5 है, 5 में से 5 जाता है, कुछ नहीं बचता, ठीक है, तो अंतर आता है हमारे पास 9। अब इस ये जो 9 अंतर आया है इसकी 7236 से आप गुणा कर दीजिए, तो इसकी जब 7236 से हम गुणा करेंगे, 7236 से जब हम इस 9 की गुणा करेंगे, 6 नीम 54, 4 का 4, 5 का 5, 9 8 9 3 27, 27 और 5 मेरे हो जाते हैं 32, 27 और 5 यहाँ पर हो जाते हैं 32, की हासिल लगी 3,
नौ दुनी अठारह, अठारह और तीन उन्नीस बीस इक्कीस और हाथ से लगी दो, नौ सात तिरसठ, तिरसठ और दो हो जाते हैं पैंसठ। तो यही आपको ध्यान है घटाने पर भी आया था, और इधर यही जो है पहले सही का निकाल करके फिर गलत का निकाल करके दोनों के उत्तर निकाल करके हमने गलत में से सही को घटाया था तो ये आया था। तो अब हमने बिना यहां पर बड़ी गुणा किए ये उत्तर निकाल लिया है। इस प्रकार से हमारा आंसर जो है आठवां भी हो चुका है। आइए देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। एक कमीज सीने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिली जा सकती है और कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। तो कमीज में लगा कपड़ा है हमारा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो मैं या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा या इसको मीटर में चेंज करूंगा, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 मीटर में हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर और प्लस ये 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 215 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर के बाद में जो कुल कपड़ा लगा है हमारे पास, कुल कपड़ा है वो है 40 मीटर, और 40 मीटर कपड़े को भी अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर आ गया 4000 मीटर। अब इस 4000 सेंटीमीटर आ चुका है। 4000 सेंटीमीटर में से 215 सेंटीमीटर की कितनी शर्तें बनेंगी, तो हमें करना क्या है, हमें 4000 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर का भाग दे देना है। तो देखेंगे हम 4000 सेंटीमीटर में, हम 4000 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर का भाग दे देते हैं। तो 215 एकम 215, 215 दुनी 430, 430 तो ज्यादा हो जाता है, तो 215 एकम 215। अब हासिल लेंगे 10 10 10, में से 5 गया 5, इधर 9 रह गया 9, में से 1 गया यहाँ पर रह गया 8, 3 में से 2 गया यहाँ रह गया 1 और ये 0 का 0। और 215 आठ होता है 1720 और 215 नीम होता है 1935, जो ज्यादा हो जाता है, तो 215 आठ 1720 यहाँ पर आएगा 0 का 0, 5 में से 2 चले गए मेरे पास यहाँ पर बचा 3 और 8 में से 7 गया बचा 1, 130 सेंटीमीटर, यानी 18 शर्टें सिली जाएंगी और उसके बाद 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच जाएगा, शेष रह जाएगा। 130 सेंटीमीटर को अगर मैं अलग अलग मीटर में लिखना चाहूं तो 130 सेंटीमीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को मैं बोल सकता हूं 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आपको पता है। तो 100 सेंटीमीटर यानी मैं यहां बोल सकता हूं 1 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 18 शर्टें सिलने के बाद मेरे पास 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा शेष रह जाएगा। नमस्कार, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद।